नमस्कार, सत श्री अकाल साथियों। सब तो पहला तुहाडा स्वागत है साथियों। अज आपां पंजाबी दा अगला टॉपिक करदे आं, ते अज दा जिहड़ा अपना टॉपिक है वह हैगा कहिंदा भाव वर्ण या वर्णा नाल संबंधित। साथियों टॉपिक कहिंदा अठवीं तो लैके बारहवीं तक, उस तो अलावा जिन्हें भी प्रकार जिमें कोई रीट का एग्जाम है या कोई कंपीटिशन का एग्जाम है, उन्होंने बहुत ही एक उपयोगी ते जरूरी टॉपिक है। गए जे गल करिए रीट की आर टेट की या इस तरीके के एग्जामों की, तो लगभग 2011 तो बाद लैके जो आर टेट हुए हैं उस तो बाद रीट हुई है, उन्होंने योजा कोई भी एग्जाम नहीं गा जिदे विच एदे विचों एक या दो क्वेश्चन नहीं आएंगे। भी कहना भाव कि आप समझ सकते हैं कि जेड़ा वर्ण बोध हैगा ये बड़ा ही एक उपयोगी टॉपिक हैगा, जेड़ा जो आप करना है बड़ी ही ध्यान नाल इहनूं समझना है। टॉपिक आप शुरू कर रहे हैं जिवें कि एक बेसिक जी गल करते हैं, जो आप व्याकरण पढ़ते हाँ तो व्याकरण के आप लगभग चार भाग देने हैं। पहला भाग आप देने हाँ जिन्हों आप कहने हाँ वर्ण बोध, केड़ा वर्ण बोध। दूसरा भाग आप देने हाँ जिन्हों कहने आप शब्द बोध। तीसरा भाग आप देने हाँ उहदे च जिन्हों आप कहने हाँ वाक बोध। चौथा आप भाग देने हाँ अर्थ बोध। चार पार्ट आप देख देंगे। जे ये पूछा जाता है कि व्याकरण मुख रूप च किन्ने भागा च वंडी जाती है, तो साथी व्याकरण मुख रूप से तीन भागा च वंडी जाती है, वर्ण बोध, शब्द बोध, वाक बोध। अर्थ बोध इहदा चौथा भाग हुंदा है जिदे विच कुछ चीजा रखी जानी है, जिवें कह सकते आपां भी जिहड़े बहुअर्थक शब्द हुंदे गए वह इस भाग दे विच आ जांदे हन। समान अर्थक जिहड़े शब्द है वह इस भाग च आ जांदे हन। उस तों अलावा विरोधी जो शब्द हन वह अर्थबोध च आ जाते हैं। उस तों अलावा बहुते शब्दों की थां, बहुते शब्दों की थां एक शब्द, आ जिहड़ा टॉपिक हुंदा है यह भी किहदे च आ जाता है, अर्थबोध च आ जाता है। भी यह इस तरह इकाई हैगी है अर्थबोध दियां, बहुअर्थक शब्द जिन्हां दे अर्थ वध हुंदे हन, समान अर्थक, समान अर्थ एक अर्थ रखने वाले जिवें आप पर्यायवाची पढ़ते हैं, विरोधी जिन्हों आप विलोम शब्द के नाम जानते हैं, बहुते शब्दों की थां एक शब्द, मतलब वाक्यांश है कोई एक शब्द जिहड़े हुंदे गए जिन्हों आप वन वर्ड कहने वह इहदे च आ जांदे हैगे। अज आप जिहड़ा पढ़ रहे हैं यह हैगा वर्ण बोध। वर्ण बोध का एक छोटा जिहा पार्ट आप करना है जिन्हों आप समझना है। वर्ण बोध की जे गल की जाए, वर्ण बोध जिहड़ा टॉपिक है, वर्ण बोध दे विच वर्णा या अक्षरां बारे गलबात हुंदी हैगी है। वर्ण बोध चार भागां च या कह सकदे दे चार खंड हुंदे हन। पहला खंड आउंदा है जिहनूं आपां कहिंदे आ स्वर, दूसरा इहदा हुंदा हैगा जिहनूं आपां कहिंदे हैगे आ व्यंजन, तीसरा इहदा हुंदा हैगा जिहनूं कहिंदे आ अनुनासिक वर्ण या कह लो अक्षर। वर्ण बोध दे किन्ने भाग हन? चार भाग हन, केड़े? स्वर, व्यंजन, अनुनासिक, ते चौथा इहदा हुंदा हैगा जिहनूं कहा जांदा हैगा दुत अक्षर।
चार भाग हो गए थे, स्वर व्यंजन अनुनासिक वर्ण ते दूसरा चौथा दूत अक्षर। स्वर साथियों अपने को दस होंगे, व्यंजन अपने को बत्ती हैं सस्से तो लैके लास्ट अडाड़े तक, मतलब सस्से तो लैके अडाड़े तक। उस तो अलावा अनुनासिक जड़े है ये अपने को साथियों पांच हैं, नन्या नीया अणाणा नन्ना ते मां, ये अपने को पांच हैं। दुत अक्षर की गल की जाए, दुत अक्षर मतलब जो दोहरे होंगे जो पैरों च लगते हैं, पैरों च आते हैं, ये अपने को तीन होंगे, हाहा रारा ते वाहवा, तीन होंगे। बारीक जहा यह टॉपिक है तो इसन एक दो बार देखना पढ़ना ध्यान, तो मैं जो पहला दसिया जिमें कि रीटर के एग्जाम है उन्होंने जो तुम 2011 तो लैके पेपर देखोगे आने वाले अज तक के जो हुए है, एक या दो प्रश्न इन्होंने पक्के होंगे। आ पैरों च लगते हैं, पैरों च लगने का मतलब भी बहुत सारे अक्षर ने जो पैरों च लग के पूरे होंगे है, जिमें आप लिखना है प्रेम पैरों च ररा लग गया, जिमें आप लिखते हैं प्रोफेसर पैरों च ररा लग गया, आप लिखता जिमें लिखते आप स्वर, यह स्वर तुम ए लिख सकते हो स्वर, यह भी सही है ठीक है। पढ़ लिखते हैं पिछे हाल है, कहना पा कि अखर अपने को दुत अखर किन्ने हैं तीन, स्वर दस व्यंजन बत्ती अनुनासिक वर्ण पांच जेडे नक द्वारा बोले जाते हैं, तो दुत अखर किन्ने हैं तीन। अगली गल हूँ आप इन्होंने चारों के इस टॉपिक के उत्ते गल करा सिर्फ स्वरां के उ थोड़े खंडा च वंड के छोटे छोटे वीडियो पढ़ना कोशिश करांगे ताकि आपां चंगी तरह समझ आ सकन। गल करदे आं जी स्वरां दी, गल जदों मित्रों स्वरां दी कीती जांदी है, स्वर तां सब तो पहला यह चीज देखने वाली स्वर होंगे कि स्वर उसी तरीके नाल अखर हैं या वर्ण कह लो अखर या वर्ण लिखी है, जेडे व्यंजन के जिस तरीके व्यंजन होंगे उही अखर ते व्यंजन एक ही गल हैगी है स्वर, लेकिन थोड़ा जिहा इन्हां दे अंतर हुंदा है। अंतर की हुंदा है जेकर इन्हां दी तुलना व्यंजनां नाल कीती जावे ते एक पासे अपने कोले हुंदे स्वर, स्वर तो वह अखर होंगे जेडे कि बिना किसी दूजे अखर की सहायता तो बोले जाते हैं, भी इन्होंने दूजे की लोड़ नहीं पैंदी। जे मान लो आड़ा बोलना है कहना आप ए बोलना है तो इन दूसरे की लोड़ नहीं गी, लेकिन इधर जो कक्का बोलना है व्यंजन तो इनू स्वर की लोड़ हैगी, कहना मतलब इन दूजे अखर की लोड़ हैगी है। पहली गल तो यह भी स्वर वह अखर या वह वर्ण जेड़े किसी बिने दूजे अखर की सहायता तो बोले जा सकते हैं। उस तो अगली गल याद रखनी है, यह कोई निश्चित मूह पोल की थां तो नहीं बोले जाते, जिवें आप व्यंजन अगे वंटते हैं कि व्यंजन है मूह पोल के कहड़े है तालू है या होठी है, इन्हों का उवें वर्गीकरण नहीं गा, इन्हों का कोई निश्चित थां नहीं हुंदा गा। हुण गल करदे आं पंजाबी दे स्वरां दे, जो आप वर्णमाला पढ़ते हैं तो वर्णमाला पढ़ते आप चीज देखते हैं कि वर्णमाला अपनी जी शुरू होंगी है पंजाबी की जी गुरमुखी की वह ऊड़े तो शुरू होंगी है, ऊड़ा आड़ा ईड़ी ससा हा, मतलब इस तरीके अपनी वर्णमाला चलती हैगी है, तो जिड़ी अड़ाड़े त्या के खत्म होंगी है। इतों ती आ आप 35 अखर प्राप्त हो जाते हैं, किने 35, ये खातर इन पंजाबी की 35 कहा जाता है। ये शुरुआत दे विच जिहड़े तीन अखर आते हैं ये मित्रों स्वर हैं, 35 दे विचों जो आप तीन कढ़ दिंदे हां
ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 32 ਪਿੱਛੇ ਬਚਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਿਅੰਜਨ ਬਚਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹੀ ਸਵਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਵਰ ਦਸ, ਦਸਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਨਾਵਟ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਵਰ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਵਰ ਅੱਗੇ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਹਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਊੜਾ ਆੜਾ ਤੇ ਈੜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਲ ਸਵਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਸਵਰ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤਿੰਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਤਿੰਨ, ਊੜਾ ਆੜਾ ਤੇ ਏੜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਾਂਹ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਹ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਆਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਊੜੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਸਵਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੂਲ ਸਵਰ ਹਨ ਤਿੰਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਵਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਦਸ, ਦਸ ਸਵਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਥੀਓ ਮੁਕਤਾ, ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੰਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਿਹਾਰੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਿਹਾਰੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਔਂਕੜ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਦੁਲੌਂਕੜ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੋਰੀ ਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਲਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹੋੜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਵੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਨੋੜਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਅੱਖਰ ਐਵੇਂ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ। ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਈਨ ਪੁੱਛੇ, ਵੀ ਮੰਨ ਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਲੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਊੜੇ ਮੂਲ ਸਵਰ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਵਰ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਐ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਊੜੇ ਤੋਂ ਮੂਲ ਸਵਰ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਵਰ ਹੋਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਬਣੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਆਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਲਟਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਣੇ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਂ ਦਿੱਤੇ ਆਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਐਂ ਲਿਖਦਾ ਕੰਨਾ ਸਿਆਰੀ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰੀ ਦੁਲੌਂਕੜ ਜਾਂ ਲਾਂ ਜਾਂ ਦੁਲਾਵਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਮ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਉਹਦੇ ਖਾਤਰ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰਬੰਧ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਇਸਨੂੰ। ਇਹ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਕਿ ਵੀ ਊੜੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤਿੰਨ, ਆੜੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਚਾਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਈੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹਨ ਤਿੰਨ।
गिनती याद रखनी है तीन ते चार सत्त सत्त तीन दस। हुण इहदे विच एक वारी प्रश्न आया है कि हेठ लिखियां विचों किहड़ा मूल स्वर इह जिहा जिहड़ा कि बिना लग तों वी वरत्या जांदा है, तां किहड़ा हैगा है अड़। इहदा तुसीं देख रहे होंगे भी कोई भी मूल स्वर दे नाल कोई भी लग नहीं लगी हुईगी, इन्हां सारे नाल लगी हैगी है। आ देखो बिना लग तों नहीं वरत्या गया है, ए भी नहीं वरत्या गया, लेकिन आह वरत्या गया। आपां याद रखे कि वह किहड़ा मूल स्वर हैगा है या अखर हैगा स्वर अखर हैगा जिहड़ा कि बिना लग तों वरत्या जांदा है, तां आपणा उत्तर की है अड़, जिहनूं आपां की कहिंदे आ मुक्ता। ठीक है मित्रों, उस तों चलदे आ अगे। हुण आपां नूं तीन मूल स्वरां तों किन्ने अखर प्राप्त हो गए हन, स्वर किन्ने प्राप्त हो गए है दस, अपनी गिनती होगी दस। हुण केड़े केड़े है वो आपां दुबारे क्रम च लिख के इन्हां नूं पढ़ांगे। आपां नूं जिहड़े अखर जिहड़े स्वर प्राप्त होए हन उह हन दस, मुक्ता, कन्ना, सियारी, बिहारी, औंकण, दुलौंकण, ला, दुलावा, होड़ा ते हनोड़ा। किन्ने प्राप्त हो गए अपन दस। इन लिखते हैं मुक्ता, इनू कहने आप कन्ना, इसनों आप कहने सिहारी, इनू कहने बिहारी, इनू कहने औंकड़, इनू कहने दुलेंकड़, इनू कहने ला, इनू कहने दुलावा, इसनू कहने होड़ा ते इसनू कहा जाता है कनोड़ा। ठीक है साथियों, आ उतले अखर हो गए, आ जिहड़े नां दे नाल संबोधित किए जांदे उह हो गए। इहदी कोई भी लग नहीं हुंदी गी, लग रहित हुंदा है। इहदे खातर कई विवादित प्रश्न भी रहा है भी लगां कितनियां होनियां, नौ है कि दस, तो यूजीसी नैट वाले ने नौ मन रखी गई हैं, तो प्रश्न भी आया हुआ एक परे, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है दस ही कह रहे हैं। इहदे पिछे कन्ना हुंदा है जिहड़ा कि अद्धा हुंदा है, सियारी जिम छोटी दी आपां वरतदे हां, बिहारी इधर आ गए, औंकण थले इक डंडा, दुलौंकण दे दो, ला दे उत्ते एक, दुलावा दे उत्ते दो, होड़े दे उत्ते ते करोड़े दे उत्ते इस तरीके नाल उहदे थले। इहनूं कहिंदे लगा मात्रा। स्वर अपने कोले दस ते लगा मात्रा भी अपने कोले दस, ते स्वर किन्ने होंगे दस ते लगा मात्रा भी किन्नी अपने कोले दस। उस तो अगे आपां पढ़ने आ स्वरां दा वर्गीकरण, वर्गीकरण भी स्वरां दा वर्गीकरण किस तरीके नाल कीता जांदा हैगा। स्वरां दा जो वर्गीकरण हुंदा हैगा उह साथियों दो तीन आधारां ते कीता जांदा हैगा। दो तीन आधार किहड़े आ वो अलग अलग है, मुख रूप से चार आधार ये मन्ने गए हैं जेडे कि स्वरां दा वर्गीकरण करते गए। पहला जेड़ा आधार है वह आधार है साथियों समय दी दृष्टि दे आधार ते, भी स्वरां दा जेड़ा पहला वर्गीकरण है वह हैगा समय की दृष्टि के आधार पर, भी किसी भी स्वर नूं बोलण दे विच जो टाइम लगता हैगा उस टाइम की दृष्टि के आधार पर
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੰਡਣੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਦਾਸੀ ਵੰਡਣੇ ਹੈਗੇ, ਵੀ ਦਾਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਵਾਰ ਹੈਗੇ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਥੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਲਘੂ ਸਵਰ, ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਸਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਨੂੰ ਸਾਥੀਓ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਰ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਰ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ। ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਤੀਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰਸ਼ਵ ਸਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਲਘੂ ਸਵਰ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਲਘੂ ਲਘੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜੂਗਾ ਦੀਰਘ ਸਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਰ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਜੂਗਾ ਬਾਹਰਲੇ ਸਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਲਘੂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਘੂ ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਥੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮੁਕਤਾ। ਕੀ ਹੈਗਾ ਮੁਕਤਾ। ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਹਾਰੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਹਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਐ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਂਕੜ। ਆ ਲੋ ਜੀ ਔਂਕੜ। ਮੁਕਤਾ, ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਔਂਕੜ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤਿੰਨ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਘੂ ਸਵਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤਿੰਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਮੁਕਤਾ, ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਔਂਕੜ। ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਆ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕੰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਲਘੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਕੀ ਹੈ ਦੀਰਘ, ਤੇ ਦੀਰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬਿਹਾਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਂਕੜ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਲਘੂ, ਤੇ ਦੁਲੌਂਕੜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦੀਰਘ, ਦੁਲੌਂਕੜ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਥੀਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਥੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲਾਂਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਵੱਜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਲਾਵਾਂ, ਹੋੜਾ ਤੇ ਕਨੋੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਥੀਓ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲਘੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁਕਤਾ, ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਔਂਕੜ। ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਦੀਰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਨਾ, ਬਿਹਾਰੀ, ਦੁਰੈਂਕੜ, ਲਾਂ, ਦੁਲਾਵਾਂ, ਹੋੜਾ ਤੇ ਕਨੋੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸੱਤ। ਥੋੜੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਘੂ ਤਿੰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਰਘ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਸੱਤ। ਇਹ ਸਾਥੀਓ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਾਥੀਓ ਜੋ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਕਾਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ? ਮੂੰਹ ਬੋਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ।
मूह बोल कहना पावर कि जिन्हों हिंदी दे विच कह दिता जाता है मुख यंत्र ओहनू पंजाबी च की कह जाता है मूह बोल कह जाता है भी जेड़े थां तों स्वर बोले जाते हैं भी मतलब आहा जो हिस्सा है ठीक है हुण ए हिस्से दे विच जो अंदरों वर्गीकरण होंदा है गया भी कंठ है तालू है मुरदे है वह सारा वर्गीकरण व्यंजन च होंदा है इत्थे जिहड़ा वर्गीकरण होंदा है वह सिर्फ मूह पोल की अगले हिस्से की बनावट के आधार से किया जाता है ये यह देखा जाता है कि व्यक्ति दे स्वरां बोलते समय जिहड़ी मुख की जिहड़ी आकृति हैगी है वह किस टाइप की हैगी है जिवें आपां देखते हैं कि इंसान के मुख की जिहड़ी आकृति है वह इस टाइप की होंदी हैगी है कुछ स्वरां नूं बोलदे समय मुख दी आकृति गोल हो जांदी है ते कुछ च गोल नहीं हुंदी है उन्हां दे आधार ते ही इत्थे स्वरां नूं दो भागां दे विच वंडिया जांदा है इहदे विच पहला जो वर्गीकरण हुंदा है उहनूं कहा जांदा है गुलाई दार स्वर जिवें कि तुहानूं नां तों ही पता लग गया होगा कि भी उह स्वर जिन्हां नूं बोलदे समय जिहड़ी मुख की जिहड़ी आकृति हैगी है वह की हो जाए कुछ गोल हो जाए ठीक है ना कुछ की हो जाए गोल हो जाए भी हुण जमा गोल तो हुण हो रहा चल मैं जमा ही गोल बना दिना है भी मुख थोड़ा की हो जाए गोल हो जाए वह की हो जाएगी बुलाईदार स्वर हो जाएंगे दूसरा जिहड़ा वर्गीकरण होगा इहदे विच जिहड़े बाकी बच जाएंगे उन्हों आपां कहांगे ऐ गुलाई दार स्वर एक तो है अपने को गुलाईदार स्वर और एक है ऐ गुलाईदार स्वर इन्हों गुलाई रहित स्वर भी कह दो गल हुई है भी आप इस लेवल से पढ़ रहे आप पता ही है कि यह शब्द का अर्थ आप समझ चुके है हूँ गुलाईदार कि भी आप जेकर इन्हों बोलीए भी जे मैं इन्हों इस तरीके बोला जिस तरीके इन्हों संबोधन होंगे है भी मुक्ता कन्ना सियारी बिहारी उस तरीके ना नहीं जिस तरीके ने इन्हों का मूल कर देंगे जिम्मे आप हिंदी च पढ़ते हैं जो कह इत है ना जिन्हों आप कहने औंकण उस बोलते समय जी मुख की आकृति है वह की हो जाती है गोल उस तो बाद दुलैंकण दुलैंकण में जो बोलते हैं मुख की आकृति की हो जाएगी गोल ठीक है ना मैं इतने इस तरीके लिख रहा तुम नाम याद रखना है कि मैं दोबारे दस रहा नाम इन्हें जरूर याद होना चाहिए कि भी आ की है औंकण से वह की है दुलौंकण भी जरूरी नहीं गा आपने देता भी गुलाईदार स्वर हन या हेठ लिखिया गुलाईदार स्वर हन तो आह ही दे भी सकता है ठीक है ना भी आह अखर दे लेकिन जे नहीं दिता तो वह भी दे सकता भी औंकड़ दुलौंकड़ ला दुलाव तो आपको वह भी पता होना चाहिए भी कोड होना चाहिए भी हाँ ये है उस तो अलावा जेकर देखोगे भी ए आई बोलो नहीं होंगे गे लेकिन जो तुम वह बोलते हैं जिन्होंने लास्ट हिंदी जिम्मे कह दें ओखली औरत जिन्हों आप होड़ा कनूड़ा कह दें उन्होंने बोलते समय मुख की आकृति की होंगी है गोल होड़ा ते कनूड़ा इस तरीके आप देखते हैं कि अपने को जे गुलाईदार जे स्वर हैं उन्होंने संख्या किनी हैगी है चार हूँ इन्हों छ बाकी जेडे बच गए है वह सारे की हैं ऐ गुलाईदार हैं केड़ा जिदे विच एक नंबर ते आजूगा मुक्ता दो नंबर ते आजूगा कन्ना तीन नंबर ते आजूगी सियारी चार नंबर ते आजूगी बिहारी आ कादे च आ गया गुलाईदार च मतलब केड़ा औंकड़ ते दुलौंकड़ फिर इहदे च आजूगी लाम ते फिर ये चलूगा दुलाव ठीक है जी उस तो अगे होड़ा ते कनोड़ा जेड़ा है वह कि गुलाईदार हुण देखो गिनती किनी होगी एक दो तीन चार पांच ते छी इन्हां दी संख्या किनी होगी छी भी कहण दा भाव कि गुलाईदार जेड़े स्वर हन उन्हां नूं आपां दो भागां विच वंडिया एक हैगा गुलाईदार ते एक हैगा ऐ गुलाईदार जेड़े गुलाईदार हन उह चार हन ठीक है तो जेडे ऐ गुलाईदार हैं वह अपने को छी हैं जिन्हों हिंदी चाह तुसी
ਵਰਤਾਕਰ ਹੈ ਵਰਤਾਕਰ ਸਵਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਓਨਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੋਰ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੱਕ ਜੈ ਹਿੰਦ ਜੈ ਭਾਰਤ, ਧੰਨਵਾਦ।